fame, la fame. Ma no, non ci siamo, no, no. मोबाइल को क्या साइलेंट कर देना चाहिए, क्योंकि मोबाइल साइलेंट नहीं रहता है तो फिर मैसेज आते हैं तो डिस्टर्बेंस होता है तो अपन लोग की बात नहीं हो पाती है, और अपन लोगों की बात के बीच में कोई डिस्टर्ब करे ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई शिवम मालवी, और आप देख रहे हैं शिवम भोपाली। पता है जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ है ना, घर बैठे बैठे एक तो इंसान उकता गया है। उकताने के साथ साथ एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है सबसे ज़्यादा, जो परिवारों के बीच में लड़ाइयाँ आती ना, जो मियाँ बीबी की लड़ाई होती है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई बोलते हैं, या फिर कजन्स की लड़ाई बोलते हैं, तो ये लॉकडाउन ने कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो, इन मियाँ बीबी के बीच की लड़ाई, कजन्स के बीच की लड़ाई, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच की लड़ाई, इनको बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया। सीरियसली बोलूँगा, जो चीज़ मैं खुद भी अपने घर में फील करता हूँ, मतलब होता है, सबके घर में होता है, तो ये आप लोग भी फील कर रहे होगे, लॉकडाउन में कुछ हुआ ना हुआ हो, लड़ाइयाँ तो बहुत हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए इन सबको बातों को साइड में रखते हैं और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैंने थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, दूसरों की बातों से टॉपिक निकाला है। दूसरे लोग मुझसे पूछते हैं, आज भी रिसेंटली एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा, बहुत पुराना फ्रेंड है मेरा, तो उसने मुझसे पूछा कि भाई तेरे पास भाई ऑलरेडी एक सेटल्ड जॉब है, तू अच्छा खासा टैटू बिजनेस कर रहा है, देन तूने ये यूट्यूब का कीड़ा कहाँ से पाल लिया मेरे भाई। मतलब पुराना दोस्त, उसको पता चला होगा कि मैं यूट्यूब वीडियो चालू कर रहा है, तो उसने मुझसे सडनली पूछा कि तेरे में ये यूट्यूब का कीड़ा कैसे जा गया और तू यूट्यूबर कैसे बन गया। सो मैंने सोचा कि यार ये बात तो सही है यार, ऐसा लोग ये बात तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुझमें यूट्यूब का कीड़ा कहाँ से जागा और तू यूट्यूबर बनने का दिमाग में तेरे कहाँ से आया। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना अपन एक ऐसे ही पॉइंट पर वीडियो बनाते हैं, एक ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं कि वाई आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि वाई आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का स्वागत कर देना चाहता हूँ। जितने भी लोग मेरे चैनल पर पुराने हैं भाई, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और जितने भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं भाई, आप लोगों का भी स्वागत है। लेकिन और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं है, शिवम भोपाली के चैनल को सब्सक्राइब करना है और शिवम भोपाली के फैमिली मेंबर का पार्ट बनना है। आप सभी लोग मेरे फैमिली मेंबर हो यार, मतलब घर में जो लोग हैं वो तो हैं, मतलब जितने भी लोगों से मैं ये बात करता हूँ, जितने लोगों के साथ भी मैं ऐसे ये वाला कॉन्टैक्ट करता हूँ, ब्लॉगिंग के द्वारा बात करता हूँ, आप सब भी मेरे फैमिली मेंबर्स ही हो यार, है ना, हम बिना फैमिली मेंबर्स के क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाई आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल। बेसिकली मैं जॉब भी करता हूँ, आई एम हैविंग अ जॉब, ठीक है, और मैं जॉब करता हूँ, प्लस मेरा खुद का एक टैटू का बिजनेस है भोपाल में। जितने भी लोग भोपाल में रहते हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको बता देना चाहता हूँ कि मेरा खुद का एक टैटू का बिजनेस है, आई एम अ टैटू आर्टिस्ट करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप जाके मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, और अगर कोई टैटू बनवाने में इंटरेस्टेड होता है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है मुझे इंस्टाग्राम पे। देखिए, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हर एक उस इंसान के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर टैलेंट है। इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, आप अपना जो भी टैलेंट चाहो वो अपना चाहकर आप YouTube पे दिखा सकते हो, तो जो मुझे YouTube की सबसे अच्छी बात लगती है, और तुम्हारा भाई बहुत टैलेंटेड है क्या, अपने आपको लगता है कि अपन बहुत टैलेंटेड है। और दूसरा, मैंने जो YouTube चैनल चालू किया ना, मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें सीखने के लिए, कुछ लाइफ सबकी नॉर्मल आराम से चल रही होती है, लेकिन वो नॉर्मल लाइफ कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जिनके अंदर कीड़ा होता है कि जो नॉर्मल लाइफ चल रही होती है ना, उन्हें वो नॉर्मल लाइफ जीने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। मतलब कुछ ना कुछ किक तो लाइफ में मांगता है मेरा भाई, कुछ ना कुछ तो किक मांगता है। मतलब वो जो नॉर्मल लाइफ चल रही है ना, उससे हटकर भी एक किक एक लाइफ में होनी चाहिए, उसी किक के लिए मैं यूट्यूब पे आया। ठीक है, किक, अब आप सोचो कि भाई वो किक क्या है। देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यूट्यूब पे मैं अपनी लाइफ में कुछ कमियां हैं, ठीक है, कुछ खामियां बोल सकते हो, कुछ कमियां बोल सकते हो, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, उन चीज़ों को भरने के लिए ही मैं यूट्यूब पे आया हूँ। सबसे पहले अपन उन्हीं खामियों की बात कर लेते हैं। जैसे मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं लोगों से ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ, मुझे लोगों से कैसे बात करना चाहिए वो शब्दों का जो हेर फेर होता है ना, मुझसे वो बिल्कुल भी नहीं होता है। खासकर इंग्लिश तो अपनी बहुत वीक है, बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी, फिर बीच में घर वालों ने इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, लेकिन अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, इंग्लिश में अपन बहुत कमज़ोर थे। अभी भी मैं यहाँ पे इंग्लिश में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन था ना, मुझे मेरी लाइफ में ऐसा फील होता है बचपन से कि मैं लोगों से बात करने में घबराता था, मतलब क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ। और मैंने स्पेशली व्लॉगिंग ही क्यों चूज़ करी, व्लॉगिंग एक ऐसा, मतलब एक बोल सकते हो यूट्यूब पे एक ऐसी कैटेगरी है व्लॉगिंग की, मैं यहाँ पर आप लोगों से भले ही डायरेक्टली बात नहीं करता हूँ, आप लोग मेरे सामने नहीं हो, होप्स हो कभी आएगा दिन कि आप लोग मेरे सामने भी होंगे, बट अभी मैं क्या है इस कैमरे से बात करता हूँ, और ये एक बहुत, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ा सा ना, वो कहते हैं ना एक एक्टर होता है तो उसके लिए एक्टिंग के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, एक मिरर के सामने एक्टिंग करना।
वैसे ही मेरे लिए लोगों से बात बात करना मुश्किल हुआ करता था ना, आज भी वही है। तो मैं ये समझता हूँ ये कैमरा जो है, इस कैमरे के पीछे मेरी पब्लिक है, मैं इस कैमरे से बात करता हूँ। आप सोच के देखो, एक कैमरे से बात करते हुए अगर आप किसी को देखोगे, एक कैमरे से बात करते हुए, तो कैसा फील करोगे? समझ जाओगे मेरी बात भाई? वही फीलिंग पहले मुझे भी आती थी, लेकिन जितने भी लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे और आपका वीडियोस देखे होंगे, उनको ये चीज़ पता होगा कि पहले के वीडियोस के कम्युनिकेशन में और कंटेंट में और वे ऑफ कम्युनिकेशन में और आज के कंटेंट में और वे ऑफ कम्युनिकेशन में कितना फ़र्क है। पहले क्या शब्द यूज़ करता था और आज के टाइम पर क्या शब्द यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे शब्द बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ऐसा कि पहले जब मैं यूट्यूब चैनल चालू किया था मैंने, तो मेरे शब्द जो होते थे बहुत बेकार होते थे, लाइक गाली निकलना। एक टाइम पे मेरी मौसी ने ही खुद मुझे फ़ोन किया था, ये मेरा एक इंसिडेंस आपको बता रहा हूँ, मेरी मौसी ने ही खुद मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने मुझसे बोला कि शिवम तू वीडियो बना रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू जिस टाइप की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है ना वो बहुत बेकार है। मतलब तू ये सोच के देख कि तू ये मत सोच कि तू वीडियो बना रहा है ठीक है, तू ये सोच के जो लोग तेरा वीडियो देख रहे हैं वो किस एज की कैटेगरी के लोग हैं और तेरी बातों का उन पर क्या इंप्रेशन पड़ रहा है। जो मैं भी खुद भी नोटिस किया है, पहले हनुमंतिया टापू वाला वीडियो बहुत, मतलब कैसे कैसे वर्ड्स मैंने इस्तेमाल करे, मौसी ने मुझसे कहा कि देख तेरा जो छोटे भाई बहन हैं, कजन्स हैं, वो लोग भी तेरा वीडियो देखते हैं और जब वो लोग ऐसा कोई शब्द सुनते हैं तो उन पर एक गलत इंप्रेशन पड़ता है, उनको वो शब्द नहीं आता है, लेकिन फिर वो पूछते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है। प्लस वो लोग जो तेरे चैनल पर नए हैं तो ये जानते नहीं हैं, लेकिन तुझे इस वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं, उन लोगों पर भी क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि यार ये बंदा किस टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। तो ये चीज़ जो मेरे अंदर सबसे ज़्यादा बुरी थी कि वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा बेकार था, शब्दों का जो मतलब यूज़ करना होता है ना बातों में, उन वर्ड्स का यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा पुअर था। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने ब्लॉगिंग चालू करी कि मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा हो, मुझे कहाँ पर कैसे शब्द इस्तेमाल करने हैं उसका मुझे ज्ञान हो, मुझे नॉलेज आए, और प्लस मैं लोगों से बात करने में हिचकिचाऊँ नहीं, यानी कि मतलब लोगों से बात करने में हिचकिचाऊँ नहीं, जो डर मेरे अंदर है ना उस डर को ख़त्म करना है, प्लस जो कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ, मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ, और अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा ना इम्प्रूव करने के लिए मैं आया हूँ, मतलब अपनी खुद की पर्सनैलिटी को थोड़ा और एडवांस और थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए। पर्सनैलिटी मतलब फिजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनैलिटी मतलब इनर एटीट्यूड, ईगो, वो वाली पर्सनैलिटी, तो उस पर्सनैलिटी को भी बिल्डअप करने में यूट्यूब बहुत काम आता है। तो ये था पहला पॉइंट कि मैं यूट्यूब पे क्यों आया। मैं यहाँ पर आया कुछ अपनी लाइफ में इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए, कुछ अपनी लाइफ में सीखने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी में थोड़े बहुत चेंजेस करने के लिए और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए और लोगों से मिलना जुलना, कम्युनिकेशन बनाना। अब बढ़ते हैं अगला, जो मेरा मेन मोटिव था कि यूट्यूब पे आने का, वो था मेरा बिज़नेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, नहीं पता है तो मैंने बता ही दिया था स्टार्टिंग में कि मेरा एक टैटू का बिज़नेस भी है। सो मैं जब यूट्यूब पे आया था तो मैंने एक कॉमेडी वीडियो बनाया था जो ज़्यादा नहीं चला और थोड़ा सा मैंने फिर उसको साइड में रख दिया। मुझे फिर व्लॉगिंग क्यों लगा, क्योंकि व्लॉगिंग के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से कॉन्टैक्ट बना सकता हूँ। जैसे मेरा बिज़नेस है, टैटू आर्टिस्ट हूँ, तो कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, आप लोग बहुत सारे कनेक्शंस होना ज़रूरी है, क्योंकि टैटू आर्टिस्ट का बिज़नेस कनेक्शन से ही चलता है। सो मैं जब यूट्यूब पे आया था मैंने ये भी सोच के चला था कि यूट्यूब हो सकता है मे बी मेरे को हेल्प करे, मुझे हेल्प करे मेरे टैटू के बिज़नेस को मतलब फैलाने में। यूट्यूब पे आने का एक और सबसे बड़ा मोटिव यही था कि मैं अपने बिज़नेस को और फैलाना चाहता था, लोगों तक वो बात पहुँचाना चाहता था कि मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ, आई एम अ टैटू आर्टिस्ट। सो लोगों को कैसे पता चलेगा, ऐसे ही पता चलेगा यूट्यूब पर अपना टैलेंट दिखा के। तो मैं भी धीरे धीरे अपने YouTube पे टैटू के वीडियोस भी डालना चालू करूँगा, क्योंकि व्लॉगिंग में वो भी आई जाएगा इजीली, कुछ डले हुए हैं। तो अगर आप लोग मेरे टैटूज को देखना चाहते हैं तो Instagram की ID आई एम ए टैटू आर्टिस्ट करके आप उस पर जाके चेक भी कर सकते हो। और अगला जो सबसे बड़ा मोटिव था YouTube पे आने का, वो था अपने टैलेंट को एडवर्टाइज़ करने का। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना टैलेंट एडवर्टाइज़ कर सकते हो भाई, और YouTube कोई पैसा भी नहीं लेता उस एडवर्टाइजमेंट को, मतलब आपके टैलेंट को एडवर्टाइज़ करने का, लोगों तक पहुँचाने का। मैं सीधी सी बात ये, YouTube पे अपने आप को एडवर्टाइज़ करने के लिए आया कि हु आई एम एंड शिवम भोपाली कौन है, शिवम भोपाली छोड़ देते, शिवम मालवीय कौन है और कौन नहीं, लोगों को ये बताने के लिए मैं आया था YouTube पे, अपने आप को एडवर्टाइज़ करने के लिए आया था, अपने टैलेंट को एडवर्टाइज़ करने के लिए आया था, और बहुत कुछ सीखने के लिए मैं YouTube पे आया था। देखो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि मैं YouTube पे पैसा कमाने के लिए आया हूँ, लोगों को लगता है YouTube बहुत सारा पैसा देता है, फैम देता है, मतलब फैंस फॉलोइंग देता है भाई, सेलिब्रिटी बन जाता है इंसान YouTube पे आके। और YouTube पे पैसा कमाने आए हो ना, तो YouTube पे पैसा कमाना
अच्छी बात है, YouTube आपको पैसा देता है ये अच्छी बात है, लेकिन YouTube इतनी आसानी से पैसा नहीं देता मेरे भाई। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं भी यहाँ पैसे कमाने के लिए आया हूँ, नहीं, मेरे पास एक जॉब है, अर्निंग आती है, पैसा आता है, मेरे पास साइड बिजनेस मेरा टैटू आर्टिस्ट का है, वहाँ से भी मेरे पास पैसे आते हैं। YouTube मैंने स्टार्ट किया पैसे के लिए तो नहीं बोल सकते हैं, आगे जाके पैसे मिलेंगे तो मना तो करेंगे नहीं, फेम मिलेगा मना करेंगे नहीं, लेकिन सबसे पहले उस पैसे और फेम से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है अपनी लाइफ, अपनी पर्सनालिटी, अपने टैलेंट, इन सबको सुधारना और लोगों तक पहुँचाना, अपने आप को एडवर्टाइजमेंट करके, एडवर्टाइज करके लोगों तक बातें पहुँचाना, अपने अंदर जो कमियाँ हैं खामियाँ हैं उनको पूरी करना। और YouTube इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आप लोग के पास भी कोई टैलेंट है ना, मैं कहूँगा आप YouTube पे आओ, हिचकिचाओ मत यार, एक YouTube चैनल बनाओ। लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हो YouTube पे कि यार पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप जैसे मैंने यहाँ से एक साल पहले एक वीडियो बनाया और बैठ के बस देखा कि यार हाँ लोग आएंगे, पैसा मिलेगा, व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, कुछ नहीं हुआ। घंटा एक वीडियो से कुछ नहीं होता है। आपको आज देखो मैं, ये मेरा 28th व्लॉग है, ठीक है, और 29th वीडियो है, 28th जिसमें से एक कॉमेडी वीडियो, 28th ये व्लॉग है मेरा। आप ये सोच के देखो, अगर मैं एक वीडियो बनाने के बाद मैंने वो बंद कर दिया, एक साल तक मैंने कोई भी YouTube पे वीडियो नहीं डाले, ये सोच के बैठा रहा कि पैसा आएगा, ओ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, व्यूज़ बढ़ जाएंगे, फेमस हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। जब रियलिटी पता चलती है तो रियलिटी यही है, YouTube आपको प्लेटफॉर्म तो देता ही है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे आपको खुद स्टैंड करना पड़ता है, अपनी मेहनत दिखानी पड़ती है, अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है। और ये नहीं है कि टैलेंट एक बार दिखा दिया, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको टिके रहना पड़ता है। आप हटे, आपकी जगह किसी और ने ले ली, आप गायब हो गए। तो YouTube प्लेटफॉर्म तो देता है, लेकिन उसी प्लेटफॉर्म पे टिके भी रहना पड़ता है। और वही टिके रहने के लिए इस बार अपन आया है, अपने आप को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपनी खामियां, अपनी कमियों को पूरा करने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों से कम्युनिकेट, आप लोगों से कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए भाई। प्लस जो लोग मेरी लाइफ, जो मुझे नहीं जानते हैं और वो भी मेरे बारे में जान रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी बात है। आप सोच के देखो कितना कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, कितना कम्युनिकेशन बिल्डअप हो रहा है। अननोन लोग जिनको मैं जानता नहीं हूँ वो भी मुझे जान रहे हैं, मेरे से जुड़ रहे हैं आके, मेरे काम को पसंद कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से मैं यूट्यूब पर आया कि अपने आप को आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूं, अपने टैलेंट को दिखा सकूं और आप लोगों को बता सकूं कि भाई शिवम भोपाली कौन है, उसके अंदर क्या टैलेंट है, क्या टैलेंट नहीं। आई होप सो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आया हो कि वाई आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल। बाकी फैम और पैसा तो सबको चाहिए होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ सब मिलता है। पैसा, फैम, पब्लिसिटी, पॉपुलैरिटी सब वक्त के साथ मिलता है, लेकिन उसी को मिलता है जो मेहनत करता है और मेहनत पर टिके रहता है। और तुम्हारा शिवम भोपाली वो मेहनत पर टिके रहने वालों में से है, भागने वालों में से नहीं है। तो मिलता हूँ मैं आपसे फिर अनदर किसी वीडियो में, किसी और नई कहानी के साथ, कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, लोगों से कनेक्शन थोड़ा कम बनाएं, बाहर कम निकलें ताकि कि पुलिस के डंडे ना पड़ें, अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को हेल्दी रखें और मेरे वीडियो को देखते रहें और देखते रहें और देखते रहें। चलिए मिलता हूँ आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।